सो गाइस बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का जो वीडियो है Adobe After Effects फेस ट्रैकिंग वीडियो, इसका पार्ट टू है। पार्ट वन आपने नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये हमारा जो है ट्रैकिंग, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा ट्रैकिंग जो है वो परफेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसको हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है ट्रैकिंग कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ का अभी तक का प्रोसेस जो है कम्प्लीट हो चुका है। अब हम चाहें तो इस सॉलिड को डिलीट कर सकते हैं, इसका हमारा काम ख़त्म हो चुका है। अब हमको लेना है एक 3D स्कल, तो उसके लिए जो है हमको चाहिए वो वीडियो को पायलट का एलिमेंट 3D, तो वो होना चाहिए। और उसके अंदर में आपको वीडियो को पायलट का ही एक होलोविन पैक ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी स्कल या जो भी हो, आयरन मैन का आप अगर हेलमेट लगाना चाहते हैं या कुछ भी लगाना चाहते हो, तो उसका 3D मॉडल आपके पास में होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लेयर में जाएंगे, न्यू, और यहाँ पर हम लेंगे सॉलिड और इसका जो है नाम रख देंगे एलिमेंट। और यहाँ पर जो है हमको रखना है मैक कॉम साइज, क्योंकि हमने जो लास्ट टाइम जो लिया था 100x100 का लिया था तो वो डिफ़ॉल्ट में था, तो इसको हमको मैक कॉम साइज में रखना है। और इसको कर देंगे हम ओके। अब इसके बाद में हम यहाँ से इफ़ेक्ट में जाएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं वीडियो को पायलट, क्योंकि मैंने जो है इंस्टॉल कर रखा है। एलिमेंट में जाएंगे, अब यहाँ से हम जाएंगे सीन सेटअप। तो सीन सेटअप में जाने के बाद में यहाँ से मेरे पास में होलोविन पैक है, ये वीडियो को पायलट का ही है, होलोविन पैक भी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें एक स्कल जो है वो मिल जाएगा, तो इसको हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें टेक्सचर वगैरह है ही, तो फ़िलहाल मुझे इसमें टेक्सचर नहीं चाहिए, तो मैं प्रीसेट में जाऊंगा और यहाँ से हम मॉडल में जाएंगे और यहाँ से जो वाइट वाला है टेक्सचर है, इसको मैं वाइट टेक्सचर इसमें ले लेता हूँ। तो हमको जो है फ़िलहाल वाइट ही रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम कर देंगे इसको ओके। तो यहाँ 3D स्कल आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हमको जो है हमारा जो स्कल्प है उसको हमारे हेड के पोजीशन में सेट करना है और पेरेंट करना है इस नल के साथ में। तो नल को जो है हम यहाँ से थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ से हम जो है एलिमेंट वाले कॉम को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से जाएंगे हम ग्रुप में। तो ग्रुप वन में जाने के बाद में हम जाएंगे यहाँ पार्टिकल लुक। पार्टिकल लुक के अंदर आपको मिलेगा यहाँ क्रिएट ग्रुप नल का ऑप्शन, तो इसको ओपन करना है और यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एक ग्रुप नल क्रिएट हो जाएगा। अब इसको जो है हम पेरेंट करेंगे हमारे यहाँ से लेके हमारा जो हेडलाइट पे। तो अब यहाँ पर हम प्ले करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्कल्प है वो यहाँ पर इसके साथ में फेस के साथ में पेरेंट हो गया है। अब हमको जो है हमारा जो स्कल है उसको सही जगह में पोजीशन करना है। तो इसके लिए हम जाएंगे फिर से हम एलिमेंट ग्रुप पे, एलिमेंट कॉम पे, और यहाँ पार्टिकल लूप में आपको जो है इसका साइज, रोटेशन, सारा चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि पार्टिकल साइज है, और हम यहाँ रेप्लिकेटर पे जाएंगे तो यहाँ पर यहाँ XYZ पोजीशन है। तो यहाँ से हम जो है इसको इस तरह से लेफ्ट राइट करके हमको जो है इसको हमारे फेस पे सेट कर देना है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर मैंने जो है इस तरह से सेट कर दिया है। आपको भी जो है अपने हिसाब से सही से सेट कर देना है। तो यहाँ पर हमने जो है इसको सेट कर दिया है। इसके बाद में हम वापस से जाएंगे हमारे सीन सेटअप में। ठीक है, और यहाँ पर हम जो है हमारा जो स्कल्प है उसका ओपन करेंगे और इस वाले ऑप्शन को हम जो हमारा जो ऑप्शन है स्कल के नीचे में, ये दो ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं, ये हेड का है और ये नीचे का है। तो ऊपर वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे हम सबसे नीचे और यहाँ पर आपको मिलेगा इल्यूमिनेशन। तो यहाँ इंटेंसिटी जो है हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, मे बी 100 कर देंगे इसको। और यहाँ से फ्रेजनल जो है इसको हमको ऑन कर देना है। तो इस तरह का थोड़ा सा लुक आ जाएगा। दोनों ही चीज़ों पे इसको हमको अप्लाई कर देना है। और एक चीज़ यहाँ पर जो है इसका जो कलर है, इल्यूमिनेशन का जो कलर है, इसको हम थोड़ा सा ऑरेंज रख सकते हैं हल्का सा। तो ये थोड़ा ऑरेंजी लुक आ रहा है, जो कि हमारे जो फायर हम क्रिएट करेंगे उस पर हमको काम आएगा। ठीक है, तो इसको हमने लाइट ऑरेंज रखा है। सेम प्रोसेस हमारे नीचे वाला जो लेयर है इसको भी यही करना है, इल्यूमिनेशन
इसको हमको रखेंगे थोड़ा सा ऑरेंज, और इंटेंसिटी कर देंगे 100 थोड़ा इंक्रीज, और फ्रेजनल कर देंगे 100। इस तरह से हो गया। अब इसको हम ओके कर देंगे। सो गाइस, यहाँ तक हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया है। फिलहाल जो है फेस सही से हम मैंने सेटिंग नहीं किया है, आप अपने हिसाब से परफेक्ट करें। जैसे कि मैंने इसमें किया हुआ है तो इस पर मैंने अब अच्छी तरीके से किया है अपने हिसाब से, और इस पर मैं सेटिस्फाई हूँ कि ये जो सेटिंग है ये सही है। तो आपको भी जो सही से करना है, इसमें एक्स वाई और जेड तीन पोजीशन है, तो इसको जो है आप सही से इंक्रीज डिक्रीज करके आप सेट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि हमारा जो हेड को रिमूव करना है। तो रिमूविंग का प्रोसेस जो है वो आपको पता ही होगा कि कैसे करते हैं। फिलहाल इसको जो है मैं क्लोज़ कर देता हूँ, जिससे हमारा हेड रिमूव करना है। तो सिंपल सा चीज़ है, सिंपल मेथड आपको बता देता हूँ कि आपको अगर पता नहीं है तो। सिंपल चीज़ ये है कि हम यहाँ से जाएंगे, तो जो हमारा नीचे वाला लेयर है जो हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार फिर से हम डुप्लीकेट कर देंगे। तो जैसे मैंने पहले डुप्लीकेट करके रखा था, इसमें हमने ट्रैकिंग तो किया नहीं है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ, और एम प्रेस करके इस वाले जो ट्रैकिंग जो हमने छोड़ दिया था इसको हमको डिलीट कर देते हैं। तो आपको सिंपल इसका जो एक डुप्लीकेट लेयर पहले से बना के रखना है। तो इसको जो है हम यहाँ से क्या करेंगे, पेन टूल की मदद से हम हमारा जो फेस है उसका इस तरह से मास्किंग कर लेंगे। ये हमारा मास्किंग हो गया। यहाँ पर मैं अगर हाईलाइट करूँ तो इस तरह से मास्क हो चुका है। अब मास्क पार्ट में की फ्रेम इसको करते हुए हमारा जो सीन है उसके हिसाब से हम इसको पूरा मास्क करना है। तो ये प्रोसेस भी मैंने ऑलरेडी करा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आप करेंगे तो, क्योंकि पूरा फ्रेम को आपको इस हिसाब से मतलब पूरा मास्किंग करना है तो टाइम लगेगा। तो ये चीज़ जो है मैंने कर लिया है। तो इसको चलिए मैं इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और आपको मेरा इस वाला जो लेयर है यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ जहाँ मैंने रिमूव किया हुआ है। तो यहाँ एम प्रेस करूँ तो ये आप देख सकते हैं ये मास्क है। तो इसको मैं सिंपल यहाँ से एडिट कॉपी कर लेता हूँ, और इस वाले फॉर्म में यहाँ पर आने के बाद में इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से एडिट पेस्ट कर देते हैं। एडिट पेस्ट, तो सॉरी फिर से मैंने गलती किया। तो टाइमलाइन जो है हमेशा हमको स्टार्टिंग में रखना है, जब भी हम कोई मास्किंग अगर पेस्ट ये करते हैं तो एडिट और पेस्ट। तो यहाँ से ये हमारा ट्रैकिंग आप देख सकते हैं, ये मेरा जो है ये ट्रैकिंग है, और ये हमारा ट्रैकिंग कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एम प्रेस करके इसको सब ट्रैक कर देंगे। तो यहाँ से हमारा जो है बैकग्राउंड जो फेस है वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब क्योंकि हमको ये फ्रेम जो है ये ग्रीन स्क्रीन में पहले रखना है, क्योंकि आगे और भी काम बाकी है, हमको ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना है। तो जो हमारा बैकग्राउंड जो कॉम्पोजिशन है, यहाँ से हम कॉम्पोजिशन सेटिंग में जाके कॉम्पोजिशन का कलर जो है यहाँ से पेन टूल की मदद से हम इसको इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। और तो ये हमने सिलेक्ट कर दिया है, इसको ओके। तो हमारा जो कॉम्पोजिशन का कलर भी जो है इसके साथ में मैच हो गया है। अब हमारा एलिमेंट जो है रेडी है, इसको हम ऑन कर देंगे। तो अब देख सकते हैं कि क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो हेड है वो थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। तो यहाँ से हम हमारा जो हेड है उसको सही तरीके से पोजीशन वगैरह कर सकते हैं यहाँ से ग्रुप वन में जाके। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरा जो स्कल्प है थोड़ा वाइट है, और यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये अलग कलर दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वाला जो लाइट है इसको आप ऑफ कर देंगे तो इस तरह से वाइट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है उतना नहीं है। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने जो ये लाइट है इसको ऑफ़ करा है, इसको ऑन करूँगा तो ये इस तरह से किया जाएगा। तो इसको मैंने ऑफ़ करके रखा। सो गाइज, आज का जो ट्यूटोरियल था वो फेस ट्रैकिंग से लेके रिलेटेड था, और किस तरह से हम हमारा फेस को ट्रैक करके कोई भी 3D ऑब्जेक्ट वहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये ट्यूटोरियल आज का कम्प्लीट होता है, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरह से इसमें मतलब मैं गोस्ट राइडर इफेक्ट अगर बना रहा हूँ, जैसे कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, तो इसमें किस तरह से हम फायर फ्लेम वगैरह जो है वो डाल सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं, और नेचुरली मतलब बढ़िया सा VFX के हिसाब से जो हमारा फ्लेम रहेगा, जो फायर फ्रेम रहेगा, वो किस तरह से 3D रोटेशन में या फिर जो भी हमारा मूवमेंट रहेगा उसमें किस तरह से ट्रैक करेगा, ये सारा चीज़ जो है आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आज का ट्यूटोरियल वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे नोटिफिकेशन को रखिए, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।